नहीं नहीं आज कुछ नहीं, बैठ बैठ रही देखो। सतेंद्र सिंह जी, मेरा बेटा जी बाहर कनेडा दे विच अपना साढ़े देश दे विच बेरोजगारी करके, इसलिए असी अपने बेटे नूं उत्थे ठीक रुजगार मिल जाता, इसलिए उन्हां नूं असी बाहर भेजा सीगा और बच्चे दी मैरिट करके भेजा सी। बच्चे दे मैरिट दे उपर तकरीबन 20 लाख रुपया साडा खर्च आया सी। हाँ जी, घटना इस तरह हुई है कि वो काम तो आया सीगा, आराम अपना कर रहा सीगा, ते शाम नूं तकरीबन 8 बजे जो उन्होंने क्वार्टर दे विच होर लड़के रह रहे थे उन्होंने पता चलिया कि लड़का तुहाडा जिहड़ा हैगा नहीं हैगा, साह नहीं ले रहा। तो उन्होंने फिर सानू दस्या कि यह खत्म हो चुका है। असी वैसे मेरा लड़का दूसरा जो सीगा वह भी उत्थे कम करता, वो ड्यूटी तो गया है, उसनू उन्हें कॉल की कि अपना ये तो डेड हो चुका है। फिर मेरा लड़का आया, उसने आके उन्हें देखा तो उसने भी यकीन हो गया कि नहीं रहा। फिर उन्होंने अपना मेडिकल टीम बुलाई, डॉक्टर साहब ने चेक किया तो उन्होंने भी उन्होंने मृत घोषित कर दिता। बाद उन्होंने डेड बॉडी फिर एंबूलेंस के पा के एक प्राइवेट संस्था के उत्थे फ्रिज के लगाया गया। कनेडा दे विच कैलगरी दे विच काम करिया सीगा और 2018 तो PR हो के गया सी। असीं सरकार अगे यही बेनती करते हैं कि जो भी इस तरह का कोई दुर्घटना हो जाती है उसनू अपने पंजाब दे विच लियाउण वास्ते सरकार वल्लों उच्चे प्रबंध किए जाने चाहिए ने। आम आदमी अपने बल दे उत्ते अपने बच्चे नू इत्थे वापस मृतक देह नू नहीं लिया सकता, तो सरकारां नूं चाहीदा कि चाहे उत्थों दी सरकार होवे चाहे साडे भारत दी सरकार होवे उहनूं पूरी साडे इस तरह दे जो केस हो जांदे ने उहनां दी मदद करनी चाहीदी है, क्योंकि बच्चे दी इक बॉडी लिआउण वास्ते बहुत ज़्यादा खर्चा हुंदा जो हर आदमी इह खर्चा नहीं चल सकदा। तो जे इन्ने ही मतलब ज़्यादा अमीर होण हो तो फिर इत्थों बाहर विदेशां दे विच काम करन वास्ते क्यों जाण। इस लई सरकारां नूं बेनती है कि इह साडी जो अपील है इहदी जरूर सुनवाई की जाए जी। ये भी यही है कि उत्थे कनेडा दे विच अज ज़्यादा बच्चे जा रहे ने, उत्थे डिप्रेशन दे विच रहिंदे ने, काम उन्हां नूं करना पैंदा हैगा, उन्हां नूं खाण पीण दा भी समां नहीं मिलदा, ना उन्हां नूं रेस्ट मिलदी है, कुछ इत्थों पिछा तो भी कुछ उन्हां नूं परेशानियां हुंदियां ने बच्चों नूं, क्योंकि 15-20 लाख रुपया ला के भेजदे हैं। माँ बाप भी पिछे कहिंदे ने कि सानूं कुछ ना कुछ तू भेज, फिर वह डिप्रैशन के आ जाता, वो किन्ना कि काम करेगा, उसनू रेस्ट भी चाहिए है। तो इस करके डिप्रैशन के आके कई बच्चों का दिल के दौरे पै रहे हैं तो उन्होंने डैथ हो जाती है। दुख की घटना जी, असं यही कहना चाहते हैं कि बच्चों इधरों मसा पहला तो इधर सरकार सब तंग कर रही है, बच्चों को रुजगार नहीं मिलता है, तो जी असं उधर सारा कुछ ला के असं पैसा मसा इकट्ठा करके असं बच्चों उधर भेजते हैं तो उधर भी ए अटैक वो आ जाते हैं जी, बहुत बच्चों की घटना हुई है जी। तो जी सरकार चाहे इधरलिया चाहिए कि मदद दे, चाहे इधरलिया बच्चों इधर रुजगार मिल जाए, बच्चे साढ़े क्यों जाने, माँ बाप तो दूर क्यों हो, हम जी असं इधर झुकी जाने तो बच्चे उधर झुकी जाते, जोड़े है परिवारों के परिवार बहुत बच्चों की घटना हो रही है जी। मजबूर तोरना पै रहा है जी, बच्चे इधर पढ़ लिख के उन्होंने कोई रुजगार ही नहीं, कोई नौकरी नहीं है, बच्चों खर्चे नहीं बच्चों के पूरे होंगे है, फिर जो बच्चों के आपके खर्चे नहीं पूरे होंगे है, घर का की वो तोरना जो चुल्हा ही नहीं बच्चों को तुरता है, गाँव कुछ नहीं कर सकते, गाँव के बच्चे किमें पालन गए, गाँव होर कोई आगे जो कबीलदारियां ने क्यों उन्होंने किमें हो संघर्ष कर लगे। कि भैन भरा तीन सी जी, ये बड़ा बेटा सी। अच्छा, छोटे दोनों एक वैश जी वो भी कनेडा रहा जी, आ गया सी बुढ़ी इधर जी। इन्होंने फादर साहब की करते थे? वो तो पहले फौजी से हम जो कि फिर कर रहे थे। डॉक्टर यही कहना चाहते हैं जो मेडिकल हो गए गए उत्थे की करना, कोई गलबात है, कोई उत्थों की सरकार को कोई दवाई दवुई देनी चाहिए है। आम ही इतने हम कुरड़ की कुड़ी है, जो एक पहले हमीदी की सी, एक नवे शहर का भी उत्तर डेथ डेथ हुई पी है, तो ये बीमारियाँ हार्ट दी ने उत्थे बढ़ रही दिन
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਸਰ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਪੀ ਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੀ ਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 18 'ਚ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਸਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ, ਪਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਦਦ, ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਕੀਏ।